हेलो हाय कैसे कहाँ देखा था क्या देखा था कहाँ देखा था छोटे वाला मैं देखा एरोप्लेन यहाँ पर देख नहीं तुम एरोप्लेन देखा था हमने देखा था छोटा वाला देखा था हाँ कहाँ पे जा रहा था वे तो चाय खाने के जा रहे थे क्या लेके जा रहा था एक्चुअली नहीं यार वहाँ पे ना ऊपर एक एरोप्लेन जा रहा था तो ये बोल रहा है कि मैंने तुम्हें बोला था कितनी बार देख लो बट हमने देखा नहीं यार तो इसलिए वो झगड़ रहा है हमसे अब बताओ क्या कह रहे बहुत गर्मी है गर्मी है मौसम बदल गया जज्बात बदल गए तो जनाब यहाँ पे पूरा फुल यार रश हो चुका है जिसकी वजह से जाम लग गया एक तरफ से गाड़ियाँ चल रही हैं एक तरफ से नहीं चल रही हैं तो आप पीछे देखो यार जाम लग गया यार ओ, 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 सर जो है बेसिकली ये पुलिस मैन है यहाँ के नागालैंड पुलिस में है तो इन्होंने हमें ड्रॉप किया है यहाँ पे अभी यहाँ की कोयमा की मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है पीछे से तो जनाब अभी मैं खड़ा हूँ जो कोयमा सिटी है उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में खड़ा हूँ तो यहाँ पे एक मार्केट है जितनी भी ये मार्केट रहती है बेसिकली ये लेडीज़ द्वारा रन की जाती है यंग लड़कियाँ हैं उन्हीं के द्वारा ये जो है प्रमोट किया जो ये सामने पुलिस स्टेशन है यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम अपनी कैंपिंग की थी यार तो अभी चलते हैं देखते हैं कहाँ का कैसे माहौल रहता है तो जनाब सामने यार व्यू देखो कितनी खूबसूरत है यार तो जनाब अभी क्या है कि अभी मैं हूँ नागालैंड की कैपिटल कोयमा में यार तो मुझे और प्रदीप को जाना था साउथ के लिए साउथ इंडिया के लिए हमारा अगला प्लान था और नितिन जो था उसको यहीं पे रहना था उसने मणिपुर जाना था तो नागालैंड के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया यार तो इसीलिए मैं अपनी स्टे थोड़ी सी आगे बढ़ा रहा हूँ ठीक है गनीमत ये है कि मैंने साउथ के लिए अपनी टिकट जो है कन्फर्म नहीं करवाई थी तो वेटिंग में चल रही थी तो वो मैं रिफ़ंड करवा लूँगा मेरा वो प्लान सही हो जाएगा तो प्रदीप भाई निकल जाएगा साउथ के लिए मैं उसको साउथ में वहीं मिलूँगा एक महीने के बाद तब तक क्या करूँगा मैं नागालैंड को और एक्सप्लोर करूँगा यार तो मैं और नितिन अभी नागालैंड को एक्सप्लोर करने वाले हैं पूरा यहाँ पे देखो यार कितना ब्यूटीफुल व्यू है ठीक है तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे रह के हाँ तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर क्राउड गाड़ियों का ट्रैफिक लगा हुआ है और यहाँ पर ये देखिए बस भी है की हाल है बढ़िया और मुंडिया कैसी है बतिया मेरे बतिया मजे आ रहे पूरी जिंदगी से मजे आ रहे भाई राम राम तो भाई मौज मस्ती करते हुए हम जा रहे हैं यहाँ से बट अच्छा है यार आईफोन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है आईफोन 11 प्रो है आई थिंक मुझे भी ले लेना चाहिए अब आईफोन हेलो तो हाँ ठीक है बहुत बढ़िया और कुड़िए हेलो कैसे हो बाय बाय फालतू का नहीं भर रहा है यार तो जनाब ये वाली जो बस है ना ये लोकल बस है बेसिकली जैसे पंजाब हरियाणा हमारे बस भर भर के रहती है ना तो ऐसे ये भी भरी पड़ी है पूरी बंदे खड़े होकर जा रहे हैं भरी है भाई तो ये वाली जो टैक्सी है मोस्टली हमें यहीं पे ऐसी टैक्सियाँ देखने के लिए मिलती हैं और ये वाली जो टैक्सी है बहुत अच्छी रहती है तो जनाब यार मैंने यहाँ पे ना एक काफ़ी अच्छी चीज़ देखी जैसे कि ये गाड़ियाँ जा रही हैं ठीक है तो मैं रास्ता वहाँ से क्रॉस कर रहा था तो जब मैं क्रॉस कर रहा था तो गाड़ी वाले पहली वाली रोक लिया दूसरी तीसरी सब ने रोक लिया जब मैं क्रॉस कर रहा था ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यार अमूमन ये जो वाली चीज़ें जो होती है जो फॉरेन में होती हैं ठीक है तो यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा वेस्टर्न कल्चर देखा है यार तो ये अभी ऐसी कुछ मार्केट है तो अभी चाय पी रहे हैं तो भाई ऐसा कुछ यहाँ का बस स्टैंड है यार ये बस स्टैंड आ गया यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे यहीं पे उतरा था तो ऐसी कुछ मार्केट है यहाँ की ये इस साइड क्या ब्लू मार्केट है हमें कौन सी वाली जाना है हमें जाना राजू पॉइंट वाली जो बड़ी वाली राजू पॉइंट वाली हाँ तो अभी अभी हमें जाना है राजू पॉइंट वाली वो क्या कह रहे हैं कि राजू पॉइंट सीधा कितनी दूर है यहाँ से लगेगा चल भाई
तो अभी हमें वो वाली जो मार्केट भाई बोल रहे राजू पॉइंट वाली ऐसे कुछ मार्केट है, तो उसी में जाना है, उसी को एक्सप्लोर करना है हमको, ठीक है। और यहाँ पे ना एक चीज़ मिल जाती है, यहाँ पे जैकेट वगैरह काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है यार। और एक चीज़ यहाँ पे यह है कि यहाँ के लोगों की ना जो उम्र है ना, एज का अंदाज़ा नहीं लगाना, मतलब लगाया नहीं जा सकता यार, पता ही नहीं चलता कि कौन कितनी उम्र का है। तो जनाब यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे ना शाम के वक्त ना बहुत ज़्यादा रौनक रहती है। ये देखो ये ट्रीज वगैरह सब जगमग करते हैं, और ये देखो क्रिसमस ट्रीज आ गया। इस मार्केट में आपको सभी तरह के वेजिटेबल्स मिल जाएंगे जो कि ऑर्गेनिक हैं। और ये तो खींच के लो। सुखाए जो चूहे का जो एक पैर पड़ता है वो 350 रुपीज़ पर पैर है। तो ऐसे ही आप देखते रहना कि आगे अलग अलग तरीके के आपको वैरायटी मिलेंगी। और अभी ये है बम्बो से बनी वाइन, आप देख सकते हैं। और ये है लोकल मशरूम 500 kg। ओके, तो 500 रुपये के जी बिक रहा है भाई साहब यहाँ पर। ये डॉग एंड दिस इज डॉग मीट। ओके थैंक यू, वेलकम। ये भी खींचो ना। तो भाई साहब ये ड्रैगन फ्रूट बिक रहा है। एंड दिस इज फ्रॉग, दिस वन फ्रॉग, दिस वन स्क्विरल, स्क्विरल, स्क्विरल। ओके 100 रुपये, मतलब इस ये थोड़ी सी मिर्चियाँ अलग है, जैसे नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलेंगी ये मिर्चियाँ। और बाकी ये छोटा कांदा, थैंक यू। 50, 100, 500। ये है मेंढक और एक बंच का है 250 रुपीज। इसके जो एक कप का कीमत है 50 रुपीज पर कप है इसका प्राइस। तो अब ये जो सिल्क मॉथ होते हैं, मतलब मॉथ ही बोलेंगे, सिल्क बॉम जो होते हैं, इसकी इसका जो प्राइस है वो है 600 रुपीज़ पर kg। चूहे का प्राइस है 350 रुपीज़। और ये है डॉग्स, ये है खरगोश भाई, इसका एक खरगोश की प्राइस है 1000 रुपीज़। और इनका प्राइस है भाई, एक जोड़े का प्राइस है 900 रुपीज़। इसको क्या बोले भैया? क्वेल, क्वेल, तो क्वेल है। इसका प्राइस कितना बताया? 200 जोड़ा। और ये नॉर्मल कबूतर है, तो इसका प्राइस आपको पड़ेगा 350 रुपीज़ पर पेयर। मार्केट में ये डक मिलेंगे जिसका प्राइस है 1500 रुपीज़। और इधर है ये मुर्गे, आपको फ्रॉक पॉलीथिन में भी पैक मिलेंगे, और जिस इसका प्राइस है 100 रुपीज़। और ये इधर जो हैं इनके जो प्राइस है, ये सभी हैं 150 रुपीज़। और यहाँ पर आपको देखने को मिलती है अलग मिर्ची। सो गाइस आपको यहाँ पर ये देख सकते हो, ये सिल्क वर्म का छत्ता है और इसका प्राइस है 1500 रुपीज़। और ये नॉर्मल मशरूम है। तो गाइज आप जो फिश देख रहे हो ये है हिल फिश, इसका जो प्राइस है 1600 है। और जो लाइन से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है 1500 रुपीज़ की। और ये जो आप देख पा रहे हो तो इसका प्राइस है 3000 रुपीज़। ये है पोर का इंटरनल जो पार्ट होते हैं, इसका प्राइस है 200 रुपीज़ पर केजी। और ये है 300 पर केजी।
तो यार ये अभी जिंदा है, ये जो कपास वाले कीड़े होते हैं ना, मुझे नहीं पता इनको क्या कहा जाता है। तो जनाब जिंदा है, यहाँ के लोग मोस्टली ऐसी मतलब इनका जो खान पीन है ऐसा है, तो यही चीज़ें खाते हैं वो। ठीक है, अभी आके देखते हैं और क्या मिलेगा हमें। आप जो जो आप देख रहे हो ना, ये अभी जिंदा है। तो ये कुछ यहाँ की बात है, तो यहाँ पे नॉन वेज की ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो सॉरी टू से, आप थोड़ा अपना वो ख्याल रखो, ठीक है, बट नॉन वेज के काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे। ये है यहाँ की लोकल मशरूम, जो कि आपने हॉर्नबिल फेस्टिवल में भी दिखाई दी। यहाँ पे ये लड्डू। अब तो जनाब यार ये व्यू देखने में मुझे बहुत ही प्रेटी लग रहा था, तो इसी वजह से मैंने इसको अपने कैमरे में ली थी। देखो यार कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, देखो। इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं ना वो गोरे चिट्टे हैं यार, हम वैसे ही काले से। आप कहाँ से हो? मैं तो असम से हूँ। अच्छा, ये भाई असम से हो, इधर गिर मत जाइयो। ऐसे तो जनाब फिर से ये मार्केट है और इसमें पूरा फुल जाम लग गया, वहाँ तक यार, वहाँ से आगे तक पूरा फुल जाम लग गया। तो जनाब यार एक बात और थी कि कल मेरी वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था, ठीक है, जब भी आप कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है वैसे तो यार, आप किया करो कि आप किस हिसाब से मेरे बारे में सोचते हो या मेरे कॉन्टेंट के बारे में सोचते हो, ठीक है। तो उसमें ये था कि उस भाई ने मैसेज किया था कि जहाँ पर आप गए हो वहाँ पे वीज़ा लगा के आना पड़ता था। एक्चुअली भाई उस भाई का कहना सही है, क्योंकि वो पंजाब से था, ठीक है, और पंजाब जो यहाँ से पड़ता है इतनी दूर है यहाँ से, जितना यहाँ से दुबई है उतना ही भाई पंजाब है यहाँ से दूर, क्योंकि कम से कम 2000 किलोमीटर पड़ जाता है बाय फ्लाइट। अगर हम वहाँ से यहाँ आएंगे तो भी 3 घंटे लगते हैं, और वहाँ से अगर हम दुबई जाएंगे तो भी भाई उतना ही टाइम लगता है। तो उस भाई का कहना बिल्कुल सही था, तो माइंड मत किया करो यार, कोई बात नहीं, इन्जॉय करो। आपका अपना एक वे है और उस भाई का अपना था, मेरा एक अपना वे है। तो जनाब पिछले मैं आधे घंटे के करीब अंकल के पास ही बैठा हूँ, बेसिकली ये बिहार के रहने वाले हैं छपरा ज़िले के। तो इन्होंने एक चीज़ बताई मुझे कि यहाँ के जो 90% से अबव, मतलब 90-95% जो यहाँ के लोकल ट्राइबल लोग हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आए यार सारे, वो यहाँ पर मैंने एक भी शॉप पर नहीं देखा कि उनकी अपनी शॉप रहेगी, वो सब लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो यहाँ पे जितनी भी आप शॉप देख रहे हो ये मोस्टली ये बाहर के ही लोग आते हैं, जैसे बंगाल के हो गए, बिहार के हो गए, असम के हो गए, तो वही वाले लोग जो यहाँ पे करते हैं, और वो जो है रेंट पे लेके यहाँ पे बिजनेस करते हैं। जैसे अंकल अभी मुझे बता रहे हैं कि इनको 34 साल हो गए यार यहाँ पे, 54 की इनकी एज है, तो जब 20 साल के थे तब से ये यहीं पर मतलब अभी अपना बिजनेस कर रहे हैं अच्छे से। तो ये मुझे एक नई चीज़ देखने के लिए मिली है, अभी देखते हैं और क्या इंटरेस्टिंग हमें यहाँ पर मिलने के देखने के लिए मिलेगा यार। और यार एक चीज़ और है, यहाँ के वेदर से ही मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है यार, जैसे धूप में खड़े हो जाते हैं तो भाई क्या होता है कि फुल ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है और स्किन जो है ना बर्न होने लग जाती है, और जैसे छाँव में आ जाते हैं तो भाई फुल ठंड लगने लग जाती है। तो ये भी मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है यार यहाँ के भी। तो अभी हमें जाना है यार POC मार्केट में यार, ना सामने मेरे मिरर लगा उसमें मैं देख रहा हूँ मैं कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ ना मैं। और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं यार, क्योंकि इसके बाद मैं भी मुझे साउथ इंडिया कंप्लीट करना है यार बाईसाइकिल से, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी साथ में रखूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे ब्लॉग जरूर देखिए यार, लड़कियाँ हंसती हुई जा रही हैं यार, यहाँ पे लोग बहुत यार फ्रेंडली हैं, नॉर्मल जैसे ओपन माइंडेड ना पूरे, और ये चीज़ देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जनाब आप ये वाला जो ट्री देख रहे हो ना, इस पर बहुत ब्यूटीफुल फूल लगे हुए हैं यार, पता नहीं कौन सा महीना होता है जिसमें ये वो जाते हैं पिंक, लाइट पिंक कलर के हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर आप यहीं से हो तो आप मुझे बताओ कि कौन से महीने में होते हैं। तो जनाब ये जो आप देख रहे हो पूरा का पूरा नॉन वेज का है सिस्टम सारा, जितना ही पड़ा है, ये फिश पड़ी है, और ये क्या है, व्हाट इज दिस, कटिंग फिश है, तो मेरे को इतना जानी। और इसको आप क्या बोलते हो? हमारे भाषा में तो खजिंग बोलते हैं। खजिंग, तो इनकी लैंग्वेज में इसको खजिंग बोला जाता है।
और दिस वन जो नाम दो बोम्बला बोम्बला अच्छा तो ये बोम्बला है और ये तो फिश होगी ना मेरी और दिस वन इज ऑल्सो फिश ओके यही फिश और दिस वन इज इल इल आपकी लैंग्वेज में इल बोलते हैं आपकी इन इंग्लिश ऑल्सो आई डोंट नो आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हाफ्रोन नाप्रुम नापुम तो इनकी लैंग्वेज में नापुम बोलते हैं तो ये यहाँ का कुछ नॉन वेज का आइटम है तो अभी देखते हैं बैच में क्या दिखेगा हमें जी तो ये फ्रोजन फिश काट रहे हैं स्किल होती है भाई ये भी फिश काटने की हर बंदे में ना होती है ये देखो भाई गजब चीज प्राउंस तो ये जो आप बेसिकली मीट देख रहे हो ये डॉग शॉप है और यहाँ पे जो नागालैंड के लोग हैं वो मोस्ट काफ़ी लोग मतलब मुझे नहीं पता कितने परसेंट बट वो डॉग का मीट खाते हैं तो इसी के पास है मुझे एक्चुअली यार पता नहीं था कि यहाँ पे डॉग शॉप भी है तो नीचे वाले जो भाई साहब हैं उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे डॉग की मीट शॉप भी है तो यहाँ के लोग खाते हैं तो हमें किसी ने बताया था कि यहाँ के लोग चूहे भी खाते हैं तो हमने कभी देखा नहीं था तो हमें यकीन नहीं है तो ये देखो यार कुंदा चूहे है और ये फ्रॉक है ये देखो तो यहाँ के लोग ये भी खाते हैं ये देखो ये देखो यार कितने प्यारे चूहे हैं ये लोकल ब्रोकली है तो यहाँ पे ये यहाँ की लोकल कोई वो दिस इज वेजिटेबल व्हाट डू कॉल दिस वन कुसुतरी क्या बोलते This is vegetable. Vegetable. ये सिल्क वॉर्म है, ये सिल्क वॉर्म है। ये तो ना This is the fresh one or this is? Yeah, this is fresh one. Oh. And this is maybe different also rate of rate wise? No, the rate is also the same. Same. Okay. Same rate. Wow. इसको पकड़ दे चपेट मार देंगे पकड़ के दिखा धनिया धनिया तो ये जो आप देख रहे हो बेसिकली ये नागा यहाँ का जो लोकल है वहाँ का धनिया है जैसे हमारे थोड़ा दिखने में अलग टाइप का होता है ये अलग टाइप का हटिया देख कितने तुलसी अच्छा यार क्या यार वीडियो के चक्कर में कुछ भी बोल तुलसी है थैंक यू मैम बताने के लिए ये तब मुझे पता चला या तो ये तुलसी है तुलसी है ये 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 कितने का भैया हाँ ये इसे आप क्या कहते हो ये लोकल फूड है हमने देखा नहीं यार तो ये फ्रूट जो है बेसिकली दिल्ली से यार काफी स्वीट होता है लेकिन हम लोग दिल्ली से आती है लेकिन हम लोगों ने नागालैंड में देखा है हाँ हमने यार नागालैंड में देखा हमें पता नहीं था वहाँ पे आप यहाँ के लोकल तो जनाब अगर आपको कभी भी डॉग का मीट देखना हो या रैबिट जो चूहे होते हैं उनका मीट देखना हो और काफ़ी सारा है यहाँ पे मीट सारा जितनी भी ये मार्केट है ये माओ मार्केट है आपको ये माओ मार्केट यहाँ पे आप आके अपनी आंखों से देख सकते हैं यार कि जितनी भी ये मार्केट है सारी सारी लेडीज़ द्वारा रन की जाती है तो ऐसा रहेगा हाँ आप ही रुको ऐसे ही रुको साथ में लेंगे सब में हाँ क्या क्या रेट बताया आपने गौरी गौरी हाँ 280 हाँ किलो में दूसरा सी है हो गया थैंक यू तो आपका नाम क्या है रोबिनसन रोबिनसन तो भैया देख सकते हो कितने फ्रेंडली हम लोग पूछ रहे तो सारे रेट बता रहे हैं हर चीज बता रहे हैं चलेंगे ठीक है मिलेंगे बाय भाई अभी अपनी वीडियो देख रहा है यार तो जनाब ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे अंधेरा हो गया है कोहिमा में
तो हमें एक वेजिटेरियन वाला ऑप्शन मिला था, तो ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और इसमें हम खा रहे हैं आलू मटर की सब्जी है और रोटी है। रोटी ठीक ठाक है ना भाई नितिन? अच्छी है, टेस्ट तो टेस्टी है भाई। ये मुझे पड़ी है 30 रुपए की एक प्लेट है जिसमें दो रोटियां और दाल है।